खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो जान बूझकर जबरदस्ती तो मुझे चुनाव प्रचार से उस दिन रोका गया। चुनाव आयोग को इसका सही जवाब ये होगा तो आपका इस मामले में इनको सही जवाब यही होगा यदि आप लोग इस चुनाव में या अपने बिहार प्रदेश में भी अपनी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता लेते। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जब आदमी की जमीन खिसकती है तो वातावरण को दूषित करने का काम करता है। नमस्कार, सुमित अवस्थी टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित और आपको बता दूं अगले आधे घंटे तक बिना रुके आप लगातार एक खबर देखिएगा कि क्या मायावती चुनाव आयोग से परेशान है या मायावती को योगी आदित्यनाथ से दिक्कतें हैं। बड़ी खबर, बड़ी कवरेज, बड़े मेहमान के साथ बगैर चीखे बगैर चिल्लाए आपके सवालों के जवाब हम उठाएंगे और सीधे बीएसपी के बड़े नेता से पूछेंगे कि आखिरकार क्यों मायावती को चुनाव आयोग पर शक है। सबसे पहले आज का एस फैक्टर। आज सुमित अवस्थी टुनाइट में बीएसपी के अध्यक्ष मायावती की घबराहट की चर्चा करेंगे। मायावती पर लगा चुनाव आयोग का 48 घंटे का बैन आज सुबह हट गया। सुबह 6 बजे चुनाव आयोग का बैन हटा और ठीक 7:54 पर मायावती ने अपने ऊपर पाबंदी लगाने वाले चुनाव आयोग के खिलाफ ही ट्वीट किया। बैन लगने के बाद भी मायावती ने चुनाव आयोग के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि चुनाव आयोग अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता का है। मायावती ने बैन हटने के बाद आज जब बिहार के गोपालगंज में रैली की तो उसमें भी चुनाव आयोग ही उनके निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि बीएसपी के प्रत्याशियों को जिताकर ही चुनाव आयोग को जवाब दिया जा सकता है। दरअसल मायावती ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है, इसीलिए मायावती ने चुनाव आयोग की पाबंदी झेल रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी ट्वीट करके लिखा है। यूपी के सीएम चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर और दलितों के घर खाना खाने का ड्रामा कर रहे हैं और उसे मीडिया से प्रचारित करवा के चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनके प्रति मेहरबान क्यों दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ और मायावती दोनों पर बैन लगाया था। मायावती पर लगा बैन आज सुबह हट गया, योगी पर लगा बैन कल सुबह हटेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस 72 घंटे की पाबंदी में भी सुर्खियों में लगातार बने रहे। उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन किए, अयोध्या में दलितों के घर पर खाना भी खाया और आज वाराणसी में उन्होंने कई मंदिरों में फिर जाके माथा टेका, लेकिन इस रणनीति में मायावती योगी आदित्यनाथ से पिछड़ गई। बहन जी को यह स्वीकार करना होगा कि उनसे और उनके रणनीतिकारों से भारी गलती हो गई है, जबकि बीजेपी ने इसका राजनीतिक फायदा जमकर उठाया। मायावती चाहती तो वो भी ऐसा ही कुछ कर सकती थी, लेकिन इसके लिए बहन मायावती को अपनी चार दीवारी से निकलकर वोटरों के बीच जाना पड़ता। शायद वोटरों से यही दूरी बीएसपी को आज की तारीख में भारी पड़ रही है। कैसे, इस ग्राफिक्स को देखिए। 2007 में जिस यूपी विधानसभा में मायावती ने 30.4% वोटों को पाया था उनको 206 सीटें मिली थी, उनकी सरकार बनी थी। वहीं 2017 की विधानसभा में सिर्फ 19 सीटें मायावती के पास रह गईं और बीएसपी का वोट बैंक खिसक कर 22.2% पर आ गया। इसी तरीके से लोकसभा में 2009 में मायावती 27.4% वोट शेयर के साथ 20 लोकसभा सांसद थे और 2014 में यानी अब से जो पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा का उसमें बीएसपी का यह वोट शेयर घटा और 19.8% पर आ गया और सीट एक भी नहीं मिली थी। मायावती ना तो अपने वोटरों के बीच गई और ना ही मायावती ने उनकी परेशानियां सुनी। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, विक्टिम कार्ड खेला, चुनाव आयोग पर निशाना साधा।
खुद को पिछड़ी जाति का बताकर सिंपैथी वोट लेने की कोशिश कर रही हैं। अगर इन 48 घंटों में मायावती ने कुछ भी किया तो बस इतना कि अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी जगह चुनावी जंग में उतार दिया और दुनिया को बता दिया कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके परिवार से ही होने वाला है। और अब आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने पावर प्ले के खास मेहमान बीएसपी के नेता डॉक्टर एमएच खान से, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, किसने आपको मना किया था? बहन जी को किसने आप पाबंदी की थी कि आप मंदिरों में नहीं जा सकती, आप दलित बस्तियों में नहीं जा सकती? अगर योगी आदित्यनाथ ने कोई काम किया चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन किए बगैर, तो मायावती भी कर सकती थी? ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की स्थिति है। सुमित जी, देखिए, हम लोग संविधान और कानून के मानने वाले लोग हैं। जो एक तो चुनाव आयोग ने गलत तरीके से बहन जी पर बैन लगाया, और अगर बैन लगा दिया तो हमने चलो ठीक है स्वीकार कर लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। योगी आदित्यनाथ जी एक नेता ही नहीं है बल्कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जब मुख्यमंत्री का पद शपथ ग्रहण किया था तब उन्होंने कहा था कि बिना भेदभाव, बिना लिंग और उसके हम सबकी भलाई, सबका साथ, सबका यही तो किया योगी आदित्यनाथ। लेकिन उन्होंने वो दलितों से मिले जाके, आपके वो मंदिर भी गए, वो दलित बस्तियों में भी गए, वो दिव्यांगों से मिले, सबका साथ सबका विकास, और क्या होता है? मायावती जी ने क्या किया 48 घंटे में? मैं आपसे पूछता हूँ, मायावती जी ने चुनाव के वक्त में 48 घंटे में क्या किया? खान साहब, मैं कानून का पालन किया, कानून का पालन किया, संविधान का रक्षा किया, कानून का पालन किया। ये कानून का पालन होता है जब आप एक मजहब के आधार पर वोट मांगते हैं? ये कानून का पालन था? आपको आरपीए की धारा 123 नहीं पता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123 नहीं पता है आपको? क्या कहती है? हम मजहब के, हिंदुस्तान का संविधान साफ कहता है कि मजहब के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। मायावती जी एक नहीं, दो नहीं, कई कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, नहीं मांगा, उनके लिए नया नहीं था? नहीं मांगा। मांगा था? नहीं, उन्होंने मांगा था, देश ने सुना, दुनिया ने सुना, इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कहा उन्होंने क्या? नहीं सुनिए तो क्या कहा था सपनी, इसीलिए कहा जा रहा ना इंसाफी हुई। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर अपना कैंडिडेट एक बरका पहले से उतार चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने दूसरे बहुत दिनों के बाद इसी पर के व्यक्ति को उतारा है, आप लोग भ्रमित मत होइएगा, सब लोग इकट्ठा होकर। तो ये वर्ग जिसका नाम आप लेने में हिचक रहे हैं, आपको डर है कि लाइव डिबेट में नाम लेंगे तो आप पर भी पाबंदी लग जाएगी। मायावती को उन हजारों की भीड़ में समझ में आई बात, उन्होंने उस वर्ग का, उस मजहब का नाम ले लिया। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, जिस वजह से पाबंदी लगी बहन जी पर। कहा देखिए, आप एक मेरी बात सुनिए खान साहब, एक तो आपने मजहब का नाम लिया और फिर आपने विक्टिम कार्ड खेला कि हम दलित हैं इसलिए चुनाव आयोग मेरे खिलाफ काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ क्या दलित हैं? उन पर तो 72 घंटे का बैन लगाया, मायावती भी तो 48 घंटे का लगाया था। ये कहां से बात आ गई? योगी आदित्य ने क्या कहा था? योगी आदित्य ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, आपने अली कहा, उन्होंने बजरंग बली कहा, यही तो हुआ। मेरे बजरंग बली आपके अली, ये कहा ना, मेरे बजरंग बली आपके अली, बजरंग बली क्यों कहा? बजरंग बली ये तो बताइए ना, वो रिएक्शन था कि नहीं था? एक्शन किसने किया? पहले किसने भड़काया एक मजहब के लोगों को? किसने उकसाया अपने सांप्रदायिक फायदे के लिए? साहब, आपको याद होगा सुमित जी, ये पहले भी राजस्थान के चुनाव में कह चुके हैं, ये पहले उन्होंने ही कहा था राजस्थान के चुनाव में जाकर दलितों के बस्ती में, जनाब ये दलित हैं, ये वंचित हैं, जो पाबंदी लगी है पहले कह चुके हैं, इस वक्त जो पाबंदी लगी है वो इस बार के चुनावों के लिए लगी है, राजस्थान के लिए नहीं लगी है। एक संवैधानिक पद पर रहते, अब जनाब ये पाबंदी इस बार लोकसभा चुनावों के लिए है, जमाने से कहते चले आ रहे हैं, और उसके बाद योगी पे लगी, फिर आजम खान पे लगी और मेनका गांधी पे लगी। उस वक्त पाबंदी क्यों नहीं लगी? हर नेता पर पाबंदी लगी, आज तो सतपाल सत्ती पर भी लगी बीजेपी के नेता पर। राजस्थान के चुनाव में पाबंदी क्यों नहीं लगी सुमित जी? राजस्थान के चुनाव में मेमोरेंडम दिया था, आपने शिकायत की थी, आपने आपत्ति की थी, यही तो सवाल। राजस्थान का चुनाव तो बीत चुका है, किसी ने आपत्ति की थी? आपने एक भी आपत्ति की? एमएच खान ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मायावती जी ने एक भी प्रेस रिलीज की राजस्थान के चुनाव में? देखिए डिबेट मत करिए खान साहब,
खान साहब, एक तो आप गलती करें, राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करें, फिर मजहब के आधार पर वोट मांगे और चुनाव आयोग जब एक्शन ले तो अपने आप को दलित बताएं, अनुसूचित जाति का बताएं, ये कहां से जायज है, ये क्या है, ये कौन सा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप लोग? अच्छा आप बताइए, ये बताइए मुझे कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस आपके स्टूडियो में मैसेज नहीं भिजवाया कि मैं जा रहा हूं हनुमान जी का पूजा करने के लिए, मैं जा रहा हूं अयोध्या में, और अयोध्या में जो गए दलित दलित समाज के घर के गए वहां भी मैसेज करवाया। मायावती जी का भी हमारे पास कार्यक्रम आता है, कहा उन्होंने जब मायावती जी रैलियों में जाती है, जब मायावती जी मंच पर खड़ी होती है, जब मायावती जी किसी मूर्ति का अनावरण करती है, तो वो भी हमारे पास सूचना आती है, वो सूचना भी हमारे पास आती है। खान साहब मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, इनका प्रोटोकॉल साथ चलता है, पाबंदी की सूचना मत करिए, पाबंदी की सूचना नहीं आनी चाहिए कि वोट मांगने जा रहे हैं, वोट मांगने नहीं गए वो, पहली बात तो उसका सफाई सूचना है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया उनकी सफाई या तो बीजेपी देगी या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। मुझे बताइए मायावती जी को अपने घर से बाहर निकलने में क्या तकलीफ है? कर रहा है चुनाव घर से बाहर निकलने में क्या तकलीफ है? वहां पे जाके उन्होंने कहा मायावती, खान साहब ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, खान साहब सुनिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश जानना चाहता है। मैंने आज बहुत देर तक इंटरनेट पे सर्च किया, अपनी लाइब्रेरी में सर्च किया कि मुझे बहन जी की ऐसी तस्वीर मिले जिसमें वो आम पब्लिक के बीच में हो, किसी के घर गई हो, किसी से बात कर रही हो। जो तस्वीरें दिखी बहन जी की, मायावती जी की, वो उनके घर के आसपास की दिखी, उनके मंच की तस्वीरें दिखी। ऐसा क्यों नहीं होता कि मायावती जी भी दलित मलिन बस्तियों में जाएं? ऐसा क्यों नहीं होता कि मायावती जी भी मंदिरों में जाके दर्शन करें? वो अपने घर की दीवार से बाहर क्यों नहीं निकलती हैं? सिर्फ रैलियों में निकलती हैं? मुझे समझाइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सहारनपुर में जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो बहन जी को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई और दिल्ली से बाई रोड पब्लिक से मिलती हुई सब्बीरपुर पहुंची थी वो। बिल्कुल मैं मानूंगा, उन्होंने कोशिश की थी उस भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण से मिलने की, लेकिन आज की तारीख में क्या है, वही आपके खिलाफ नहीं, भीम आर्मी के मतलब नहीं है, उस परिवार से मिली है, जिस परिवार में ये घटना घटी उस परिवार से मिली है। मैं फिर सुमित जी आपसे कह रहा हूँ कि देखिए दलित के घर जाके उन्होंने कहा तार ठीक कराऊंगा, प्लास्टर लगवाऊंगा, ये चुनाव आचार संहिता के अंदर आता है कि खिलाफ है? चुनाव आयोग क्यों नहीं लेता है कुछ संज्ञान में? फिर वो कहते हैं कि हम वहां जाएंगे, आपको तो 48 घंटे में छोड़ दिया, योगी में तो 72 घंटे की पाबंदी लगाई है, 50 ये क्यों नहीं दिखता है आपको? ये क्यों नहीं दिखता है आपको खान साहब? सुनिए तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको तो मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर, कौन सा चुनावी भाषण दिया योगी आदित्यनाथ से बर्खास्त कर देना चाहिए? चुनावी भाषण दिया योगी आदित्यनाथ, आपने तो विक्टिम कार्ड खेला। कौन से योगी आदित्यनाथ ने कहा? आपने कहा कि हम दलित हैं इसलिए हमको तंग किया जा रहा है? ये योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी नहीं कहा। माला पहना जनाब माला पहना योगी आदित्यनाथ जी का? अरे माला पहनाया, मुख्यमंत्री की ओएसडी ने जवाब दिया कि निजी निमंत्रण पर गए थे कि प्लास्टर लगवाऊंगा। खान साहब बहन जी का खिसकता वोट बैंक नहीं, कोई निजी हम देख रहे हैं, हम तो बुला रहे हैं, बहन जी का बीएसपी का वोट बैंक हमारे घर तो नहीं आ रहा है, चुनावों में कम हो रहा है, बीते 12 सालों में हर चुनावों में वोट बैंक कम हो रहा है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? 22-23 17% पर आ गया है आपके माध्यम से, इसको इनकार करेंगे आप? मैनपुरी में कल ज्वाइंट रैली होनी है बहन जी की, जिसमें मुलायम सिंह यादव के लिए वो प्रचार करेंगी, अखिलेश भी मंच पर होंगे, चौधरी अजीत सिंह भी मंच पर होंगे, नेताजी भी मंच पर होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या बीएसपी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या बीएसपी ने रियलिटी को समझ लिया है कि इस तरह की भेदभाव और गुस्से की राजनीति से काम नहीं चलेगा, अपना वोट बैंक को बचा के रखना है, तभी आप मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पे आ रहे हैं? देखिए मूल जड़ में जाइए तो हमने समझौता जो किया है वो इसलिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कहा था कि काला धन ले आएंगे, नहीं ले आए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगना करेंगे, नहीं किया। तो हमने ये सोचा कि इस जुमलेबाज पार्टी को हराने के लिए, खान साहब 1993 के बाद पहली बार मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर आने वाले हैं, गठबंधन, और ये दिखा रहा है कि मायावती की सत्ता कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है, उनको समझ में आ रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है।
हाँ बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, इसीलिए मुलायम सिंह भी कर रहे हैं, गेस्ट हाउस ग्रांट को भूल गई है। इतना बड़ी बात जिसको लेके वो मायावती राजनीति करती रही बीते 30 सालों से, गेस्ट हाउस कांड, मुलायम सिंह से बात नहीं करना, सब भूल गई ना। इसका मतलब मान लिया ना कि पॉपुलैरिटी कम हो रही है, मान लिया ना कि झुकना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। मंच पे खड़ा होकर काम नहीं चलेगा, केवल जनता के बीच जाकर समर्थन लेना पड़ेगा, वरना ऐसे ही कमजोर पड़ते रहेंगे खान साहब, आप भी और आपकी पार्टी भी। चलिए बहुत बहुत, कमजोर कहीं नहीं पड़ रहा है, अभी देखिएगा, मेरी शुभकामनाएं, इसका एग्जांपल हमने दे दिया, मेरी शुभकामनाएं खान साहब, धन्यवाद, वक्त की कमी है। एमएच खान बीएसपी के नेता हैं, लखनऊ से लाइव थे। कल की सबसे बड़ी खबर होगी अगर मायावती और मुलायम सिंह एक साथ एक मंच पर आते हैं। 1993 के बाद ये पहली बार होगा दोनों नेता को आप एक साथ देखेंगे, वो तस्वीर लाख टके की तस्वीर साबित हो सकती है। अब आ रही है एबीपी न्यूज टेक की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 123 कहती है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना ठीक नहीं है, और जिन्होंने भी ये कानून तोड़ा उन पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाते हुए चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि वो नेता किस धर्म और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक दायरे में पूरा काम किया। अब मायावती और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के सामने एक मिसाल पेश करने की चुनौती है कि बगैर धार्मिक उन्माद भड़काए भी चुनाव जीते जा सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी हथौड़ा तो चलेगा ही, भले आप कितने पुराने सांसद या विधायक रह चुके हों। इस कानूनी हथौड़े के लिए नेताओं को तैयार रहना होगा। तो आज के सुमित अवस्थी टुनाइट में मेरे साथ इतना ही।